मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानका डोगरा में भी सानेहा एपीएस के हवाले से गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली, जिसमें बच्चों और टीचर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मजीद अहवाल बता रहे हैं मुदस्सर अली भट्टी अपनी सेल्फी रिपोर्ट में। के दीगर खानका डोगरा में भी सानिया इतिहास के हवाले से जो शहीद हुए हैं बच्चे, उनके हवाले से ये तकरीब का इनका किया गया। इसमें इस वक्त मैं गवर्नमेंट अस्त शहीद गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हुई, जहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद एक रैली निकाली है, जिसमें उनके जो शहीद होने वाले बच्चे हैं उनके साथ सरकारी अखबी के हवाले से कर रहे हैं। इन बच्चों का कहना है कि हम इस बात का अहद करते हैं जो दहशतगर्दों ने जो वहाँ दहशतगर्दी की है, उनको हम कलम की ताकत से उनको जवाब देंगे और ये जो पढ़ाई है ये जारी रहेगी और जो उनके जहन है उनको कभी कामयाब नहीं होंगे। इसके बाद मेरे साथ कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका आज के हवाले से उनका क्या कहना है। बेटा आप बताओ कि आज के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? हम इस रैली से इस बात का याद करते हैं कि हम भी उनके वालदैन के साथ उनके काम में शरीक हैं और हम अपने कलम के जरिए दुश्मन को ये बताना चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी और हमारा अपने मुल्क के लिए अपनी जान देने को जी बिल्कुल। इन बच्चों का कहना है कि हम दहशतगर्दों का कलम के जरिए उनका मुकाबला करेंगे और ये पढ़ाई कभी नहीं रुकेंगे। हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये बच्चे अभी नन्हे मुन्ने बच्चे कभी ये दहशतगर्दी जो बुजुर्गाना कार्मियों से नहीं डरेंगे। इस वक्त मेरे साथ एक स्कूल टीचर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। आप बताएं कि आज के हवाले से जिनके हवाले से आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे ये सुबह सोगवार करके चली जाती है, लेकिन इसके साथ ही ये मुल्क के दुश्मनों को एक बहुत बड़ा पैगाम भी दे के जाती है कि देखो इस मुल्क के अंदर सिर्फ सिविलियन लोग या इसके अलावा आर्मी के लोग इस मुल्क की हिफाजत के लिए नहीं, यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो भी इस मुल्क की तहफ्फुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान करने का अहद रखते हैं और दुश्मन को जो है वो हमेशा कलम की नोक से ये इसको शिकस्त देंगे और इस मुल्क को अमन का गहवारा बना के ही दम लेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये मुल्क पाकिस्तान इस मुल्क कभी भी ये दहशतगर्दों की जो जायम है उनमें कभी कामयाब नहीं होने चाहेंगे। ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी आज के दिन अहद करते हैं कि हम कलम की ताकत से इन दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे और कभी भी इनको कामयाब इनके जो अजायम है इनको कभी भी कामयाब नहीं होने चाहेंगे। मैं हूँ सैमन वाला सेल्फी रिपोर्टर मुदस्सर अली भट्टी, सैमन न्यूज़ खानपुर।